हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी के हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 13 जनवरी के जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब जुड़ जाइए। और दोस्तों, अगर आप PDF चाहते हैं हमारे डेली करेंट अफेयर्स PDF की, यहाँ पर क्लासेस की, तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर आपको डेली शाम के 7 बजे तो है वो PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो है वो आप टेलीग्राम में सर्च करें JL झारखंड लाइव्स, तो आपको वहाँ पर जो है वो लिंक जो है वो, या फिर ग्रुप जो है वो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में 10 जनवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से COVID-19 महामारी से रोकथाम के लिए कुल कितनी राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो COVID-19 से, महामारी से रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने राशि का आवंटन किया है, तो ये जो राशि है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो राशि है जो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि इसकी मंजूरी दी गई है, वो 114 करोड़ है। कितना है? 114 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है COVID-19 महामारी से निपटने के लिए। राज्य सरकार ने फिलहाल यहाँ पर वर्तमान में 114 करोड़ रुपए राशि जो है वो यहाँ पर स्वीकृति दी है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से COVID-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा निधि में जो है राशि की उपलब्धता की स्थिति में कुल 114,05,97,600 रुपये राशि जो है वो उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, ये राशि जो है वो कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, 114,05,97,600 रुपये जो है वो यहाँ पर राशि उपलब्ध कराई गई है COVID-19 के महामारी से निपटने के लिए। इसी प्रकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जो है यहाँ पर वो झारखंड के द्वारा COVID-19 की प्रथम लहर में मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन के लिए भवन एवं स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड झारखंड की निधि से कुल 38,74,72,000 जो उपलब्ध यहाँ पर कराए गए हैं। ठीक है, तो 38,74,72,000 जो है यहाँ पर ये राशि यहाँ पर श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग की तरफ से जो है वो ये राशि आवंटित की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें COVID-19 की महामारी से निपटने के लिए इतनी राशि जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, 10 जनवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों की सड़कों के विकास के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, उनका बेहतरी करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, चौड़ाकरण के लिए ये जो है वो कितनी राशि यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने राज्य भर की अलग अलग सड़क जो यहाँ पर है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर राशि जो है वो आवंटित की गई है। ये राशि जो आवंटित की गई है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राशि जो है वो कितनी है? 670 करोड़ रुपया है। 670.5 करोड़ रुपया है जो कि कुल राशि यहाँ पर खर्च की जाएगी। ठीक है, ये राशि जो है वो सड़कों के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। जो टूट फूट जाती है उसकी जो है वो मरम्मत की जाएगी, और किस कोई रोड है जो कि जिसका चौड़ाकरण किया जाना है, ठीक है, कोई न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जाना है, तो इस तरह से कुल जो राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, राशि यहाँ पर जारी की गई है राज्य सरकार के द्वारा, वो 670.5 करोड़ रुपये है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों के सड़कों के चौड़ीकरण और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 670.59 करोड़ रुपये राशि की मंजूरी यहाँ पर प्रदान की है। और इसके अलावा जो PM ग्राम सड़क है उसके लिए अतिरिक्त यहाँ पर 429 करोड़ रुपये राशि का यहाँ पर जो है वो आवंटन किया गया है। ठीक
ठीक है, ये तो राज्य सरकार की यहाँ पर अलग अलग जो रूट है, अलग अलग जो सड़क है, राज्य सरकार जो निर्माण करवाती है अपने राज्य के अंदर, उसके लिए राशि तो आवंटित की ही गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो यहाँ पर ग्राम सड़क योजना है, उसके लिए भी यहाँ पर 429 करोड़ रुपये राशि जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर राशि जो है आवंटित की गई थी अब यहाँ पर सड़क निर्माण से संबंधित राज्य सरकार की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 10 जनवरी 2023 को, ठीक है, 10 जनवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के जो सीआरपीएफ कैंप के लिए, यानी सीआरपीएफ का जो यहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस है, उसका कंस्ट्रक्ट किया जाना है, उसके लिए यहाँ पर भारत सरकार को, झारखंड राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई है। ठीक है, यानी वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कार्यालय का, सीआरपीएफ का ऑफिस बनाया जाएगा, पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का वहां पर कार्यालय निर्माण किया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित की है। तो ये जो भूमि आवंटित की गई है जहां पर कार्यालय का निर्माण किया जाना है, वो कौन सा स्थान होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस स्थान का जो नाम है वो है भोसूर। ठीक है, क्या नाम है? भोसूर। ठीक है, तो इस स्थान में यहाँ पर जो है वो सीआरपीएफ का जो है वो कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए झारखंड राज्य सरकार ने भारत सरकार को भूमि उपलब्ध कराई है। ठीक है, तभी तो वहां पर एक कार्यालय बन सकेगा, तो इसलिए झारखंड राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है सीआरपीएफ के कार्यालय के लिए नगड़ी में, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? नगड़ी भोसुर। ठीक है, नगड़ी भोसुर में ये स्थान है, वहीं पर जो है वो ये कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2023 को रांची के नगड़ी में, ठीक है, रांची जिले के नगड़ी में यहाँ पर भोसुर के विभिन्न प्लॉट संख्या का कुल क्षेत्रफल जो है वो 6.69 एकड़ भूमि, लगभग 16.36 करोड़ रुपए की अदायगी पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार है जिसने, ठीक है, भारत सरकार को, तो जो राज्य सरकार यहाँ पर जो भूमि उपलब्ध कराती है, उससे फिर जो है वो क्या करती है, राज्य सरकार जो भारत सरकार को भूमि उपलब्ध करा रही है, तो उस केंद्र सरकार से, ये भारत सरकार से टैक्स भी वसूलती है। तो टैक्स जो टैक्स के रूप में यहाँ पर जो भुगतान किया गया है, यानी कहिए कि यह राशि जो भुगतान की गई है केंद्र सरकार की ओर से, 16.36 करोड़ रुपये इसके लिए यहाँ पर जो है वो अदायगी की गई है इस भूमि के लिए। ठीक है, यानी कि एक्वाइजन, लैंड एक्वाइजन के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये राशि यहाँ पर 16.36 करोड़ रुपये है, और भूमि लगभग यहाँ पर कितनी है? 6.69 एकड़ यहाँ पर, जिसमें कि ये निर्माण किया जाएगा। तो इसकी मंजूरी दे दी गई है, तो अब कार्यालय जो है वो यहीं पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थानों का कार्य क्षेत्र झारखंड राज्य सरकार ने परिवर्तित किया है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, और इन थानों में से किसका जो है वो कार्य क्षेत्र, यानी कि हर जिले में, हर प्रखंड में थाना होता है, ठीक है, हर प्रखंड में थाना होता है, तो थाना की एक सीमा होती है, ठीक है, कि ये थाना सीमा जो है वो इस ये गांव इस थाने के अंतर्गत आएगा, ये पंचायत इस थाने के अंतर्गत आएगा, तो इस तरह से करके एक सीमा होती है हर थाने की। ठीक है, वो अपने थाने के दायरे में ही वो कार्य करते हैं पुलिस, ठीक है, जो थाना होता है। तो इन थानों में से किस का जो है वो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इन सभी का। ठीक है, इन सभी का कार्य क्षेत्र जो है वो बदला गया है। ठीक है, रांची का, गिरिडीह का, हजारीबाग का, तो ये तीनों ही थाने हैं जिनका सीमा में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र जो है वो बदले गए हैं, किसी का बढ़ाया गया है, किसी का घटाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा? रांची, गिरिडीह और हजारीबाग। चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इन थानों के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव किया गया है। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने रांची, गिरिडीह, हजारीबाग थानों की सीमा में कार्य बदलाव, कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। रांची के अंतर्गत तुमांग पंचायत को अब खलारी से मैकलुसीगंज में शामिल किया गया है। ठीक है, जो रांची के अंतर्गत पहले तुमांग पंचायत था, ठीक है, वो अब खलारी से
से जो है वो मैकलुसीगंज में शामिल किया गया है, ये रांची जिला के अंतर्गत बात हो रही है। ठीक है, पहले जो खलारी था, ठीक है, खलारी से जो है वो मैकलुसीगंज में किसको शामिल किया गया है, तुमांग पंचायत को, ठीक है, और खुखरा पंचायत को बेड़ो अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, खुखरा जो पंचायत है वो उसको बेड़ो के अंतर्गत, बेड़ो थाना के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगला जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर गिरिडीह का है, तो गिरिडीह में जो यहाँ पर कटौती है, ठीक है, जमखोखरो, चिकनाडी, मनिकाबाद, बैरिया, बरवाबाद को देवरी से हीरोडी थाने में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इन सभी को जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर जितने सारे नाम दिख रहे हैं आपको, देवरी से हीरोडी थाने में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो इस थाने के अंतर्गत आप यहां पर आएंगे, इस थाने के अंतर्गत, हीरोडी थाने के अंतर्गत ये जो है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, मतलब कि जो है इनका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है या फिर बदल दिया गया है। ठीक है, और अगला जो यहाँ पर है वो है हजारीबाग जिला का, तो हजारीबाग जिला में यहाँ पर देख लीजिए, खैरा, झारपो और बराजो को इचाक से टाटीझरिया थाने में शामिल किया गया। पहले जो थे ये कहां पर थे, इचाक प्रखंड के अंतर्गत आते थे, अब ये जो आएंगे वो टाटीझरिया थाने के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया है 3 जिलों में, रांची में, ठीक है, और गिरिडीह में, और फिर जो है यानी कि कहिए कि पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, गिरिडीह में यहाँ पर जो है बदलाव किया गया है, और हजारीबाग में, तो ये 3 प्रमुख जो बदलाव किए गए हैं थानों के कार्य क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आ गई, कुछ डाउट तो नहीं हो रही है आपको? ठीक है, डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बाद में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कुछ, अगर आपको डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर, कि रांची विश्वविद्यालय के कितने कॉलेजों में, ठीक है, रांची कॉलेज के कितने विश्वविद्यालयों में जो है वो CSC सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कितने जो है वो CSC सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देख लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय के जो यहाँ पर कहिए कि जो यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर है, ये कितने कॉलेजों में ओपन किया जाएगा, तो ये 45, ठीक है, 45 कॉलेजेज में जो है वो CSC सेंटर का निर्माण किया जाएगा और स्थापना की जाएगी, स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये CSC सेंटर क्या होगा, कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो उसकी यहाँ पर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आखिर ये क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में यानी कुल 45 कॉलेजों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय जो है वो मुख्यालय और मोराबादी परिसर में 3 सेंटर जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी 3 ही सेंटर हैं जो कार्यरत हैं, और जो लगभग 45 कॉलेज है यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो उन सभी में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इंटरनेट एवं ऑनलाइन सुविधा देने के साथ काफी कम शुल्क पर IIT मुंबई, माइक्रोसॉफ्ट, IBM की मदद से 33 ऑनलाइन ऑफलाइन रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो बहुत ही कम फीस में यहाँ पर जो है वो इन सभी के साथ मिलकर, जो कि IIT मुंबई है, माइक्रोसॉफ्ट है और IBM है, यहाँ पर जो है वो 33 ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसा कोर्स शुरुआत किया जाएगा जिससे कि वो रोजगार जो है वो सृजन कर सके, यानी कि जॉब यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसके क्या फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, तो इससे विद्यार्थियों को इन बड़े संस्थानों की डिग्री मिल सकेगी, यानी कि ये IIT मुंबई से कोर्स कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हैं, IBM से भी कोर्स कर सकते हैं, और यह CSC प्लेसमेंट में भी मदद करेगा, यानी कि जॉब दिलाने में भी जो है वो छात्रों को मदद करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, और CSC के माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजुकेटर कोर्स RU के शिक्षक भी डिजिटल अध्यापन के तरीके से सीख सकेंगे, यानी कि वहां के जो शिक्षक होंगे वो भी डिजिटल तरीके से कैसे पढ़ाना है हमको, बेहतर कंटेंट प्रेजेंट करना है ऑनलाइन में, तो वो चीजें भी यहाँ पर सीख सकेंगे रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय के जो 45 कॉलेज हैं वहां पर जो है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है, ठीक
तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, रांची यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कहिए कि मुख्यालय है वो कहां पर है, तो ये रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये रांची में आपका स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसके अंतर्गत जो है वो कुल 45 कॉलेज जो है वो यहाँ पर निबंधित है। ठीक है, उसके अंदर में 45 कॉलेज आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्धता प्रदान की गई है, सीबीएसई द्वारा एफिलेटेड किया गया है। झारखंड के ऐसे कितने सरकारी विद्यालय हैं जिसको सीबीएसई से संबद्धता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के 24 ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिनको यहाँ पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त की दी गई है यानी कि सीबीएसई से एफिलेटेड किया करवाया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो झारखंड के 24 उत्कृष्ट विद्यालय थे, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है वो सीबीएसई से मान्यता दिलाई गई है। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इसे संबंधित देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर। तो झारखंड राज्य के 24 उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई संबंधता प्रदान की गई है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 से यानी कि इसी सत्र से जो नया सत्र शुरू होगा उसमें सीबीएसई की पढ़ाई वहां पर जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में भी पढ़ाई होगी। तो झारखंड राज्य सरकार ने 24 उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए थे, उनको सीबीएसई से संबद्धता यहाँ पर प्रदान कर दी गई है यानी सीबीएसई से अफिलेटेड करवा दिया गया है। अब वहाँ पर जो है वो सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ाई होगी और इसी सत्र से होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो प्रश्न था यहाँ पर, खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 16 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक झारखंड के किस शहर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार महिला खो खो लीग प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तो ये जो किया जा रहा है वो झारखंड के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। कहां पर, रांची में ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 19 जनवरी तक जो है वो खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से 500 खिलाड़ी और 100 तकनीकी अधिकारी यहां पर भाग लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल जो है वो 12-12 टीमें हिस्सा लेंगी और यहां पर जो है वो जो टॉप मतलब 12 टीम है वो यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो ये रांची में पहली बार यहां पर खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन किया जा रहा है और पहले जो पुरस्कार विजेता होंगे, फर्स्ट प्लेस जिनको आएगा, प्रथम पुरस्कार जो रखा गया है वो 2.75 लाख रुपये रखा गया है। द्वितीय जो पुरस्कार है यानी सेकेंड प्राइज जो रखा गया है वो 1.7 लाख रुपया है और थर्ड और फोर्थ जो प्राइज है वो 75,000 है यानी कि 75,000 रुपया उनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य सरकार द्वारा आगामी राज्य बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आएगा उससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव आम जनता से मांगने मतलब सुझाव के लिए कौन सी वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप यहां पर जारी की गई है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप और यहाँ पर ई पोर्टल जारी किया गया है जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बजट होगा उसमें सुझाव मांगे हैं राज्य सरकार ने। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका है वो है हमिन कर बजट। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, हमिन कर बजट। दूसरा ऑप्शन है हमर बजट। तीसरा ऑप्शन है बिरसा बजट। चौथा ऑप्शन है झार बजट। कौन सी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर बजट से संबंधित सुझाव के लिए।
ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस सेशन से देखते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप सबको उम्मीद है कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप सब जरूर लाइक करिए, और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दूं कि आप सबको कि 11th JPSC की हमारी न्यू बैच, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में पीटी प्लस मेंस दोनों ही की जो है वो जल्द शुरू होने जा रही है। ठीक है, अप्रॉक्स ये 20 जनवरी से ये बैच जो है वो हम लोगों की शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो आप सब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में JPSC के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षक होंगे यानी कि जो आपके गाइडेंस गाइड करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम में सुबह 6 बजे मॉर्निंग में नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।